मेरी बिहाइंड uh, स्टोरी जो मैंने अपने ब्लॉग को इतने टाइम मैंने होल्ड में क्यों रखा एंड क्या वजह थी क्या रीज़न था मैं लगा कि अपनी फैमिली से बात शेयर करनी चाहिए तो आज का ब्लॉग पूरा जो कलम डेडिकेट वो अपना उसी है, जो मेरी वजह है रीज़न को लेकर कर रहा हूँ कि क्या वजह थी जो मैंने अपने ब्लॉग को इतना कुछ टाइम पोस्टपोन कर दिया था बीच में तो हेलो फ्रेंड्स सब लोग है शेयरी बैक अगेन सो आज मैं थोड़ा दिन मिला नहीं हूँ आज एक्चुअली वैसे आ, मैं गया था कॉलेज तो लेकिन आ, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज आपको एक अलग सा हट के कंटेंट था जो मुझे आज बनाना था कंटेंट क्या था कि मेरी बिहाइंड स्टोरी जो मैंने अपने ब्लॉग को इतने टाइम मैंने होल्ड में क्यों रखा एंड क्या वजह थी क्या रीज़न था मैं लगा कि अपनी फैमिली से शे, बात शेयर करनी चाहिए तो आज का ब्लॉग पूरा जो कदम डेडिकेट वो अपना उसी है। जो मेरी वजह है रीजन को ले कर रहा हूँ कि क्या वजह थी जो मैंने अपने ब्लॉग को इतना कुछ टाइम पोस्टपोन कर दिया था बीच में आई थिंक तकरीबन तकरीबन एक साल के आस पास से ले कर चल लो मैंने अपने ब्लॉग को पोस्टपोन करके मतलब कुछ टाइम तो मैंने अपना वीडियोज डालना बंद बिल्कुल कर दिया था उसके बाद मैंने सोचा नहीं अपनी फैमिली से मैं कनेक्टेड रहा हूँ एंड uh, अपनी फैमिली से मिलना भी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं फिर अपनी शॉर्ट वीडियो लगातार डाल रहा था ताकि मेरे चैनल में डेली वो भी वीडियो अपलोड हो ताकि उसमें कुछ कमी ना रहे एंड अभी मैं कनेक्टेड हूँ सो अब मैं आता हूँ अपनी बात में सो so, तकरीब तकरीबन तकरीबन एक साल से तो आ, मैं लॉक डालने आता है इसके पीछे रीज़न वजह ये थी कि पहली वजह ये थी कि मेरे चैनल में ग्रोथ बहुत कम हो गई थी जैसे कि व्यूज़ तो मतलब पहले मेरे हर आ, हर ब्लॉग में व्यूज़ मेरे से ऊपर जा रहे थे तो अभी भी वैसे से ऊपर बहुत कम आ, जाना स्टार्ट हुए नहीं है अभी भी वो वो गैप अभी भी है तो पहली वजह ये रही थी जो मैंने अपने ब्लॉग होल्ड में कर दिए थे क्योंकि पहले मुझे मेरी फैमिली से प्यार मिल रहा था खूब सा प्यार मिल रहा था लेकिन ये कि व्यूज़ पहली वजह व्यूज़ व्यूज़ का पहले मेरे हर वीडियो में कम से कम सौ से ऊपर डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ चार सौ व्यूज़ जाते थे मेरे हर वीडियो में लगभग लेकिन उसमें कुछ फ़र्क आना स्टार्ट हो गया तो मैं भी माइंड थोड़ा सा वो गया था यार मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ जब मेरे वीडियो में व्यूज ही कम आ रही हैं तो क्या उसका फ़ायदा है जब कोई देख नहीं रहा है तो एंड बात थी दूसरी वजह तो दूसरी थी मेरी वजह सब्सक्राइबर ना बढ़ना तो सब्सक्राइबर ना बढ़ने की वजह से मेरा आई uh, थिंक मैं डेढ़ सौ में दो सौ में तीन सौ में चार सौ पाँच सौ में मैं बहुत टाइम फँसाया था तो उसके बाद मैंने फिर वो एकदम से आपका प्यार ग्रोथ देखा आप सब ने मुझे सपोर्ट किया प्यार दिखाया अपना एंड उसके बाद फिर uh, सडन को स्टार्ट हुई आप सब ने अपना प्यार दिखाया फिर थैंक यू सो मच तो अभी मेरे आई थिंक ग्यारह सौ के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसमें तो थैंक यू सो मच कि आपने प्यार दिखाया एंड जैसे मैं से वादा किया था कि आप जब आप मेरे सब्सक्राइबर हज़ार रुपये कर दोगे आपको मैं डेली वक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसे अब आप आपको मेरे डेली वक्स आएंगे एंड इसके अलावा तीसरी वजह ये थी कि लाइफ में कुछ वजह से मैं अभी थोड़ा तो सा बिज़ी हो गया था जैसे अपना स्टडीज़ जैसे मैंने बोला कि मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ एक्सरे सी में तो कॉलेज भी होता है तो इसी वजह से वो शूट कर नहीं पा रहा था लेकिन अब मैं उसके साथ साथ मैनेज करके जैसे मैं यहाँ की छुट्टी होती है कॉलेज की तो आपको तो आपको बाकी जगह दिखाऊँगा बाकी जगह करूँगा एक्सप्लोर और अदरवाइस आपको मेरे हम लोग मिक्स मैचों के स्टार्ट हो जाएंगे तो थी, ये थी तीसरी वजह लेकिन अब उस, उसे मैं मैनेज करूँगा सो अब चलते हैं हमारी चौथी है ना चौथी और मेन वजह तो वो क्या थी बेसिकली लाइफ में तो अभी मेरे अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी भी टेंशन एंड बहुत सारी ऐसी बातें माइंड में चढ़ रही है लाइफ में चल रही है कि मैं बोल नहीं सकता जैसे एक बोलते नहीं कहावत कि इंसान के लाइफ में जब दुखों का पहाड़ आता है तो टूट के आता है तो टूट तो पड़ के आता है सो तो अभी भी है दुखों का पहाड़ अभी भी है मेरे ऊपर तो ऐसा नहीं है अभी चला गया हज़ारों नहीं आ, मतलब आ, दस नहीं बीस नहीं सो नहीं हज़ारों नहीं लाखों प्रॉब्लम्स अभी भी है मेरी लाइफ में बट उस टाइम भी मैं खुद को मोटिवेट रख के अपना आगे बढ़ रहा हूँ दे दिए so, सो बिल्कुल अच्छा ही होगा सब कुछ और परफेक्ट uh, क्योंकि मैंने कहावत सुनी है कि कल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चला ना मतलब ये समझ लो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम कितने तुम स्टेबल हो कि जब जब तुम्हारी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा तुम टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे तो भगवान एक तरह से परीक्षा दे रहा है मेरी तो बिल्कुल मैं उसमें पास भी हो रहा हूँ टिक पा रहा हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही चक्को मैनेज करने में इन सब प्रॉब्लम को फेस करने में सो so, बल्कि से मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ कि हार्ड टाइम में स्ट्रगल टाइम में कैसे मैं प्रॉब्लम्स को मुसीबत को फ़ेस करना है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान लाइफ टाइम के लिए आ, मतलब अनसक्सेसफुल एंड मनी इनकम की कमी उसकी लाइफ में रहे तो इंसान लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है स्ट्रगल टाइम चल रहा है मेरा अभी तो स्ट्रगल टाइम में मैं फेस कर रहा हूँ सीख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ बिल्कुल सक्सेस बहुत जल्दी होंगा तो ये चार वजह हो गई पाँच ही वजह ये थी कि आ, आ, मतलब एक तो फ़ोन में मैं स्पेस का इशू पड़ रहा था जैसे आपने देखा होगा मैं अपना अब अभी का ब्लॉग भी मैंने आई थिंक इससे पहले वाला लॉक भी मैथ्स टू मैथ्स मैंने बारह मिनट में ख़त्म कर दिया था क्योंकि स्पेस की वजह से वो इशू अभी भी है एक्चुअली मैं अभी अपने शूट आईफोन से कर रहा हूँ तो आईफोन में आपको पता है स्पेस का इशू होते रहता है मैं अभी दूसरे फ़ोन का कैसे सेटअप देख रहा हूँ अगर दूसरे फ़ोन का कैसे सेटअप हो जाए तो जिससे कि मैं खाली ओनली व्लॉग के लिए रखूँगा खाली व्लॉग शूट करने के लिए एंड व्लॉग डालने के लिए तो आपको मेरे बड़े बड़े व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आपको पहले आते थे मेरे आ, मेरे एक्सप्लोरिंग व्लॉग एंड नई नई जगह दिखाना ये सब चीज़ें आपको आना स्टार्ट हो जाएगी सो so, ये सब कुछ रीज़न है कुछ वजह है जो कि मैं अपने व्लॉग मैंने होल्ड में कर दिए थे सो so, आज मैंने पहले सोचा था कि आज मैं आपसे अपने डेली व्लॉग्स ना शेयर करके कुछ ऐसे रीज़न कुछ ऐसे वजह आपसे शेयर करूँगा जो कि मेरी फैमिली को पता लगना चाहिए कि मेरे मैं कुछ टाइम कहाँ मिसिंग था तो ये कुछ वजह है ये कुछ रीज़न है सो so, मैंने पहली वजह आपसे बोली कि आ, तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सी लाए, किस लाइन में बोली है तो लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि आ, टेंशन लाइफ में एंड लाइफ में बहुत से टेंशन अभी भी है गई नहीं है अभी भी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी है गई नहीं है तो उन सबको फ़ेस कर रहा हूँ एंड आगे भी फ़ेस करूँगा बिल्कुल जब तक भगवान साथ है जब तक एक कहावत है सुल्तान मूवी में बोलते हैं सलमान खान लास्ट फाइट में कि जब तक हम खुद नहीं हार मान लेते तब तक हमें खुद जब तक हमें कोई नहीं हरा सकता तो जब तक टिका हुआ हम जब तक जब तक मेरे शरीर में जान है जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक टिका रहूँगा एंड फाइट बैक बाउंस बैक करता रहूँगा चाहे लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए सो so बाकी ज़्यादा बात ना करके मैं आप लोग को पे एंड करता हूँ एंड ये कुछ रीज़न है कुछ वजह जो मैं अपनी फैमिली से शेयर करना चाहता था सो so, बाकी मिलते हैं कल अभी बेसिकली टाइम अभी हो चुका है आपके साढ़े ग्यारह बज चुके हैं रात के तो सब अभी सो चुके हैं एंड मैं अभी पीछे बहन के रूम में हूँ बहन बहन अभी बहन अभी कुछ काम से बाहर है मतलब तो बाहर क्या घर पे है तो टी वी देख रही है सुन में तो लेकिन मैंने लगा चलो आपसे कुछ बात की जाए आपसे अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि मैं कहाँ तक मिसिंग तो क्योंकि मेरी फ्रेंड को पता नहीं चाहिए कि आपका शायद अब्लोग कहाँ पे तम सिंह so, सो आगे भी आप कीप सपोर्टिंग मी कीप लविंग मी मेरे मेरे व्लोग को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल ने करना सब्सक्राइब तो अब आपको कल का आएगा मैं आपको ब्लॉग आएगा डेली व्लॉग तो आ, बाकी मैं अपना कुछ टाइम भी डिवाइड कर दूँगा जैसे कि आ, एक दिन मतलब जैसे मैं सोचा मंडे टू फ्राइडे मैं अपने करूँगा डेली ब्लॉग्स एंड सैटरडे जैसे मेरे दो कंटेंट आते थे दिल की बात और क्यू एंड ए सीरीज़ तो वो भी मैंने बीच में बंद कर दी थी तो वो भी मैं करूँगा स्टार्ट तो लेकिन मैं सोचा मैं संडे से करूँगा स्टार्ट जैसे मंडे से मतलब मंडे टू फ्राइडे में डेली ब्लॉग्स एंड सैटरडे मेरा आ, दिल की बात उसके बाद मेरा संडे क्यू एंड ए सीरीज जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सो so, आप लोग बोलना आप अगर मेरी इस बात से आगे हो कि मैं अपना इसी इ, 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 अपना इसी शेड्यूल से अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट कि मंडे टू फ्राइडे डेली ब्लॉग्स एंड सैटरडे दिल की बात एंड संडे क्यू ए सीरीज सो ठीक है फ्रेंड से कुछ बात आपसे शेयर करनी थी एंड uh, आप मैं ब्लॉग बिल्कुल इस व्लॉग को मेरे लाइक करना कमेंट करना शेयर करना कौन सा फटादा अच्छा लगा एंड मैंने इसे अपने कुछ रीज़न शेयर किए सो आई होप आप आप मुझे समझ गए होंगे कि मैं काम मिसिंग था इतने दिनों से तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन अपना ध्यान रखिएगा सो so मिलते हैं सो गुड नाइट फ्रोडो टू माई फैमिली व्लॉग को एंड करते हैं मैं गुड नाइट फ्र के साथ एंड्स करते हैं साथ साथ सो फ्रेंड्स कल मिलते हैं चलते चलते टाइप भाई